अभी तक 4 राउंड ऑफ 16 हो चुके हैं, और मोर और लेस हमारे जो एक्सपेक्टेड विनर्स थे, मेजर नेशंस जो है हमारे, अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स, इंग्लैंड एंड फ्रांस, ऑल हैव वॉन। और इसका सिंपल रीजन हमें भी पता है कि इट इज द सुपीरियर क्वालिटी दे हैव इन कंपैरिजन टू द नेशंस विच लॉस्ट, एंड वो उस क्वालिटी की वजह से ही जीते हैं। बट क्वालिटी देखो फॉरवर्ड लाइन में, डिफेंस लाइन में, मिडफील्ड लाइन में भी आपके, बट किस एरिया में वो क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? कल के मैचेस की तो देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट आज के मैच में अगर मैं बात करूँ, आई थिंक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, और जो बहुत आप कह सकते हो सिंपल स्टेटमेंट है, या मेरा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं लग रहा है स्टेटमेंट पे, कि मिडफील्ड एनेबल्ड बोथ टीम्स टू विन टुडे डिस्पाइट नॉट बीइंग गुड इन स्ट्रेचेस। आप अगर आप इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल के मैच की बात करो, चाहे आप फ्रांस वर्सेस पोलैंड की भी बात करो, एंड मेनली इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल में ये केस था। फ्रांस वर्सेस पोलैंड में आई वुडंट से कि फ्रांस का मिडफील्ड किसी मोमेंट में स्टटर किया था, फ्रांस हैड अ वेरी गुड गेम, बट मिडफील्ड मेक और ब्रेक एरिया था आज, और उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। द वन फुटबॉल ऐप इज द बेस्ट ऐप फॉर द वर्ल्ड कप कवरेज यू नीड ऑन अ डेली बेसिस, वेदर इट्स हेड टू हेड्स, मैन ऑफ द मैचेस, प्लेयर एनालिसिस, मैच प्रीव्यूज, मैच रिव्यूज, एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी मैच इन द राउंड ऑफ 16 एंड द अपकमिंग क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एंड फाइनल is updated to you on the One Football app. So if you're looking for an app which keeps you covered during the World Cup on every single aspect, One Football app is the best app to download. Use the QR code on the screen right now, download the app and help support the Sunday League Pundit. Order में चलते हैं, France versus Poland से start करते हैं। तो हमें पता है भाई, main headline grabber and deservedly so was Kylian Mbappe। 5 गोल हो चुके हैं उसके World Cup में, he's a leading scorer right now and he has already surpassed Ronaldo and Messi की भी tally। In the near future he will surpass, because दोनों हमारे goals का लास्ट वर्ल्ड कप है, एंड द वे ही इज गोइंग बाई, ही कैन इजिली ब्रेक मीरोस्लाव क्लोज़ेस 16 गोल रिकॉर्ड एज वेल, क्योंकि उसका जो आप स्कोरिंग रेट देखो इन दिस टूर्नामेंट, 5 गोल्स इन दिस टूर्नामेंट, 3 इन द लास्ट, एंड 2 वर्ल्ड कप में अगर आप इतने कंसिस्टेंट हो तो गॉड नोज आप कितने 20 गोल भी मार सकता है बहुत आराम से एम्बाप्पे, जिस हिसाब से वो चलता है आ रहा है। बट मैंने मिडफील्ड के बारे में बात की थी इंट्रो में, क्यों मिडफील्ड इतना बना इनेबलर था। तो अगर आप बिल्कुल लाइनअप्स को देखो, अगर आप फॉर्मेशन देखो, तो आपको पता है मिडफील्ड ऑब्वियसली फ्रांस का सुपीरियर है, दे हैव रैबियो, दे हैव चुआमेनी, दे हैव ग्रीजमैन एज वेल, बट आप 2 मैन मिडफील्ड देखो, पोलैंड का मिडफील्ड कंपैरेटिवली सिजमैंस्की और जिलिंस्की है, क्रिकोवियाक है, इट इज ऑब्वियसली सुपीरियर मिडफील्ड। दो पोलैंड का मिडफील्ड ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये 11-11 टाइप का है, बट कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स एंड हाउ दे जेल टुगेदर, फ्रांस का मिडफील्ड डेफिनेटली वॉज बेटर। बट एक प्लेयर पर अगर मैं फोकस करूँ ना, दैट इज एड्रियन रैबियो। एड्रियन रैबियो की ऐसा परफॉर्मेंस देखो, कितना बड़ा एनेबलर है ना, एनेबलर का मतलब वही फैसिलिटेटर आप अगर आप लगा लो ना, कि कितने प्लेयर्स को वो कितना ज्यादा फ्रीडम देता है टू एक्सप्रेस देयर अबिलिटीज द मोस्ट। आपकी डेफिशिएंसीज तो कवर होती हैं, बट आपकी जो अबिलिटीज है ना वो और उभर के आती हैं। रैबियो के आप एम्बापे के रेफरेंस में देखो, क्योंकि एम्बापे इज द मेन टॉकिंग पॉइंट। एम्बापे को वो जो फ्रीडम मिलता है ऑन द लेफ्ट फ्लैंक टू पुश, हमें पता है वो डिफेंसिवली वर्क रेट इतना नहीं देता फ्रांस की टीम को, एंड फ्रांस की टीम को अगर आप देखो, इट इज अ मोर ट्रेडिशनल टीम, यू कैन कंपेयर इट टू एंचेलोटी जैसे मैड्रिड के कैंपेन में था, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस को अपना एक स्पेस दे दो, अपना एक पेडेस्टल दे दो जिस पर वो शाइन कर पाए, अपना प्लेटफॉर्म देते हो आप उसको। आप प्लेयर पोटेंशियल को और प्लेयर ब्रिलियंस को आप इनहिबिट नहीं करते हो, आप सिस्टम को प्रायोरिटाइज नहीं करते बेसिकली, आप स्पेसेस देते हो कि आप सिस्टम से डिविएट करके आप अपनी एबिलिटीज को शाइन थ्रू करो। और एम्बापे के दोनों गोल्स वर क्लियरली ऑन हिज एबिलिटी, बट रैबियो अलाउ करता है एम्बापे को, उसकी कवर करता है उसके लेफ्ट बैक लेफ्ट मिड पोजिशन पे, कि एम्बापे आगे पुश करे, और अगर काउंटर भी पड़े तो रैबियो इज देयर टू डू द डर्टी वर्क। चाहे आप लेफ्ट बैक की बात करो, थियो हर्नांडेस की बात करो, थियो हर्नांडेस को भी वो फ्रीडम मिलता है। थियो हर्नांडेस ऐसा नहीं है कि उसका वर्क रेट खराब है या डिफेंसिवली वो आता नहीं है, बट स्टिल रैबियो अलाउज दैट कि आप लेफ्ट फ्लैंक पूरी आप वरी फ्री आप ऑपरेट कर सकते हो एंड आप अटैकिंग पोटेंशियल अपना मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो रैबियो बहुत बड़ा एनेबलर है उस एस्पेक्ट में। चुआमेनी को देखो तो चुआमेनी पूरी टीम को सेंट्रली प्रोग्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि उसके चुआमेनी की आप ऑब्वियसली मैड्रिड में भी जैसा उसका रोल रहता है, ही हैज बिकम द एयर टू कैसेमीरो। और फ्रांस की मिडफील्ड में भी इन द एब्सेंस ऑफ कांटे, इन द एब्सेंस ऑफ पोगबा, कांटे की एब्सेंस में यू आर सीइंग चुआमेनी स्टे बैक एंड वो ही इज आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा नहीं वो आगे नहीं जाता, बट उसका मेन रोल है कि वो स्टे बैक करके एक तो बैक फोर को शील्ड प्रोवाइड करे एंड एक एक तरीके से ट्रैम्पोलिन सा बने, ट्रैम्पोलिन से वैसे बेसिकली आप क्या प्रेशर दो और आप आगे कूदो, आप आगे जाके अटैक करो, आई कैन टेक द प्रेशर ऑन। और ये साइड ना पूरी इतनी ज्यादा जेल्ड है फॉर एम्बापे टू प्रॉस्पर। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्बापे और किसी साइड में इतना अच्छे से खेल नहीं पाएगा, फ्रांस की साइड इज स्टैक्ड विद क्वालिटी एंड फ्रांस की साइड में इस बार इंजरीज भी हो चुकी है, एनकुंकू बाहर है, बेंजेमा बाहर है, कांटे बाहर है, पोगबा बाहर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर आउट, बट स्टिल फ्रांस के पास वो एक बेसिस है जिसपे वो टीम पूरी एक अच्छा खेल सकती है, क्योंकि उनका सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड नहीं है कि अगर 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके चले गए दैट यू कैन नॉट स्टिल फाइंड अ वे आउट ऑफ विनिंग। आप फ्रांस को देखो इन द मैच, वो कभी बार बैक 3 सिस्टम भी खेलते हैं, जबकि चुआमेनी ड्रॉप कर जाता है बैक 3 में, कभी कभार वो 4 एट द बैक नॉर्मल खेलते हैं जो उनकी आप कह सकते हो स्टार्टिंग फॉर्मेशन थी, एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से फ्रांस को अलाउ करती है टू मेक दोज अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स एंड मेक दोज मोमेंट्स कि आप ट्रांजिशन पे आप अपने प्लेयर्स को स्पेशली एम्बापे को आप इन्फ्लुएंस करना अलाउ करो।
आप चाहे ग्रीजमैन को देखो, ग्रीजमैन एटलेटिको में कंपैरेटिवली क्यों ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा एक्सेल नहीं करता है, इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास सिस्टम इज नॉट बिल्ट अराउंड हिज एबिलिटीज. डिएगो सिमियोनी का सिस्टम है जो वो सिस्टम को प्रायोरिटी ज्यादा देता है इंस्टेड ऑफ प्लेयर्स. इसलिए फीलिक्स और आप ग्रीजमैन का कह सकते हो कि दे आर नॉट शोइंग व्हाट दे ट्रूली आर, उनके अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. फ्रांस की टीम में ना चाहे आप परफेक्ट फुटबॉल नहीं करो, आप यू आर नॉट प्लेइंग द मोस्ट यू नो अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बट फिर भी आपके पास अट्रैक्टिव मोमेंट्स है. आई थिंक दोज मोमेंट्स मैटर इन नॉकआउट टूर्नामेंट, उसको आप स्ट्रेस नहीं कर सकते. रियल मैड्रिड शोड दैट टू अस ऑन अ क्लब लेवल, और फ्रांस हमारे को 2018 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हमें दिखाया था एट अ नेशनल लेवल, एट एन इंटरनेशनल लेवल. मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात करूँ, जो जीरू को देखो, तो जीरू आप इसका आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आई डोंट नो, आई वांट योर ओपिनियंस कि क्या जीरू द रोल ही प्लेज एज ए नंबर नाइन, क्या बेंजिमा उस एबिलिटी तक कर पाता है. मैं बेंजिमा का गो कार्ट और F1 कार का ये सारा हमें पता है, आपका जो कंपैरिजन आते हैं या आएंगे, बट आई एम नॉट मेकिंग एनीबॉडी साउंड इन्फीरियर. बट एक होता है ना, एक बंदा कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है जीरो को, हमारे को हमें पता है कि क्लब में भी देखो आप चाहे उसे इंटरनेशनली देखो, एक बहुत बढ़िया एक वॉल की तरह एक्ट करता है अपना बैक टू द गोल, और वो दूसरे प्लेयर्स को ना हमेशा राइट वेट ऑफ पास, हमेशा राइट टच दे कि प्लेयर उसके उससे थ्रू प्ले करके जा सके. वन टू सिचुएशन जो होती है उसमें जरूर बहुत क्रूशल होता है. एंड इवन एज अ स्ट्राइकर ऑक्यूपाइंग द स्पेस, एम्बापे के दोनों गोल आप देखो, एम्बापे के पास वो स्पेस था. अब आप कहोगे भाई पोलैंड गधे हो गया, तुम इतना जगह कैसे दे रहे हो एम्बापे जैसे प्लेयर को, बट जरूर ने वो स्पेस ऑक्यूपाई करा जिसने एम्बापे को वो फ्रीडम मिला. जीरू ने अपने तरफ सेंटर बैक्स को अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको पता है इस गेम में क्रॉसेस इतने थे, डेम्बेले क्रॉस कर रहा था, इवन थियो हर्नांडेस वाज क्रॉसिंग, कि क्रॉस की थ्रेट आपको एलिमिनेट करनी है, आपको ये अलाउ नहीं करना कि एम्बापे को अगर स्पेस मिले तो जीरू को ना ढूंढे. बट ऑब्वियसली एम्बापे हैज दैट क्वालिटी कि वो गोल मार सकते हैं, उससे दोनों गोल्स वर आउट ऑफ प्योर क्वालिटी, लो एक्सजी चांसेस, जिसको आपने अपने पूरे ब्रिलियंस अपने अपने लेवल ऑफ फिनिशिंग से मारे. तो जीरू ने वो प्लेटफॉर्म दिया बेसिकली एम्बापे को सक्सीड करने लिए. रैबियो ने प्लेटफॉर्म दिया कि तुम जाके विंग पे तहलका मचा, और जीरू ने प्लेटफॉर्म दिया कि यू कैन फाइंड स्पेस अराउंड द बॉक्स एंड स्कोर. तो फ्रांस की टीम में ये बहुत अच्छी चीज है कि एम्बापे इज देयर बिगेस्ट एसेट, उनका एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन है आप कह सकते हो, और आप उस न्यूक्लियर वेपन को और पोटेंट बनाते हो अपनी टीम को जिस हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट करते हो. और मैं पता था देखो पोलैंड की बात करना है इसमें ज्यादा, अब मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, बट पोलैंड का हमें पता था पोलैंड विल सेटअप द सेम वे ग्रुप स्टेज में सेटअप कर रहे थे, दे विल ट्राई टू अब्सॉर्ब द प्रेशर और काउंटर पे वो अपॉर्चुनिटीज मारने की कोशिश करेंगे, बट वो अपॉर्चुनिटीज मतलब फ्यू एंड फार बिटवीन थी. फ्रांस की वो चांस देखो उनकी फर्स्ट हाफ में थी जिसमें लॉरिस ने सेव किया था, स्ट्रेट उस पर शॉट मारा था, उसके बाद जो रीबाउंड शॉट था वो वरान ने क्लियर कर दिया था लाइन से, और एक लेवेंडोव्स्की का शॉट था लेफ्ट फुटेड जो क्लोज था, बट इट्स स्टिल चांसेस बहुत कम थी पोलैंड के पास एंड दे डिडंट कैपिटलाइज ऑन देम. और वही बात होती है कि आप फ्रांस के ऐसे टीम के आप अपसेट तभी कर सकते हो जब आप अपनी लो नंबर ऑफ चांसेस को आप यूटिलाइज कर पाओ, एंड वो पोलैंड अल्टीमेटली नहीं कर पाए. बट हम फ्रांस के अगर अपोनेंट पे आए दैट इज इंग्लैंड, और इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड का मैच भाई देखो ऑब्वियसली हेंडरसन ने गोल मारा, बुकायो साका ने मारा गोल, हैरी केन ने गोल मारा फाइनली हिज फर्स्ट गोल इन दिस टूर्नामेंट, अनलाइक लास्ट टूर्नामेंट जिसमें भाई स्टैट पैडिंग कर रहे थे थोड़ी स्कोरिंग अगेंस्ट पैनामा और सब. बट स्टिल डिस्पाइट ऑल द गोल स्कोरर्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड मेरे को लगता है सभी इस बात पे एग्री करेंगे, दैट वाज जूड बेलिंगम. क्योंकि भाई जूड बेलिंगम की आज परफॉर्मेंस मतलब एक होता है ना मिडफील्ड पे, फिर मैं आ रहा हूँ ऑब्वियसली इज अ मिडफील्डर, बट इंग्लैंड का मिडफील्ड आई थिंक द मिडफील्ड दे प्लेड टुडे इज द बेस्ट मिडफील्ड फॉर देम, क्योंकि वो इतना अच्छा इतना कॉम्प्लीमेंट्री मिडफील्ड है ना कि वो हर प्लेयर को अपना स्पेस मिलता है टू हैव हिज मोमेंट कि वो आगे जा सकते. देखो हेंडरसन कैन गो फॉरवर्ड, ही स्कोर्ड दैट गोल ऑब्वियसली, और राइस कैन गो फॉरवर्ड, राइस ने भी एक बार बीच में ड्राइविंग रन दिया था जिसमें उसका पास वॉज इंटरसेप्टेड और फुल बैक को उसने पूरा स्ट्रेच किया था, एंड ऑब्वियसली बेलिंगम वॉज गोइंग फॉरवर्ड, बेलिंगम ने गोइंग फॉरवर्ड ही दोनों गोल बनाए इंग्लैंड के, एक तो हेंडरसन को जो क्रॉस था एंड ऑब्वियसली दैट पास टू फिल फोर्टन, जो फिल फोर्टन ने फिर हैरी कोन को दिया एंड सेकंड गोल वाज स्कोर्ड. तो अब हेंडरसन का हमें को पता है कि फुल बैक को हमेशा वो स्पेस देता है, वॉकर को भी अलाउ करता है आगे पुश करने का, एंड ट्रेंट का भी लॉट ऑफ रीजन फॉर ट्रेंट बीइंग एबल टू गो फॉरवर्ड सो मच एंड अफेक्ट द गेम सो मच, इसके हेंडरसन उसकी पोजीशन कवर करता है लिवरपूल में, इसलिए हेंडरसन इतना इंपॉर्टेंट है. जब हेंडरसन नहीं होता तो ट्रेंट भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है. तो आज देखो आप हेंडरसन का इंपॉर्टेंस इन यू नो अलाउिंग बेलिंगम टू गो फॉरवर्ड एंड समटाइम्स राइस टू गो फॉरवर्ड. जब हेंडरसन को आगे जाना है तो राइस वॉज स्टेइंग बैक एंड डूइंग द डिफेंसिव वर्क एंड वो पीछे बैक फोर को प्रोटेक्ट कर रहा था. फिर आप अगर आप राइस को आगे जाना है तो बेलिंगम और हेंडरसन स्टेइंग फॉरवर्ड. तो सब भी जो बीच में रोटेशन है ना इन टेकिंग डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए. देखो इंग्लैंड आप कह सकते हो पहला गोल इंग्लैंड का डिड नॉट कम इन अ स्पेल की जिसमें इंग्लैंड डोमिनेट कर रही थी. उस समय सेनेगल थोड़ी हावी होती थी, सेनेगल ने चांसेस बनाए थे, उन्होंने एक दो हैरी मैग्वायर के मिसड पासेस थे जिन्होंने उस पर कैपिटलाइज करा, देवर प्रेसिंग इंग्लैंड एंड देवर क्रिएटिंग चांसेस, उनके डिसेंट चांसेस थे, पिकफर्ड का एक अच्छा सेव भी था. बट अल्टीमेटली इंग्लैंड को जो प्लेटफॉर्म मिला दैट वॉज थ्रू देयर मिडफील्ड एंड अल्टीमेटली स्कोरिंग दैट गोल उनको मोमेंटम पुश मिला हाफ टाइम में जाके, उसके बाद देन दे ऑब्वियसली रैन अवे विद द गेम. एंड सेनेगल के पास वो मिडफील्ड में उतनी क्वालिटी नहीं थी. देखो यू हैव नैपोलियन मेंडी, आपके पास इड्रिसा गाना की है, बट उन सबकी ना लिमिटेशंस ऐसी है कि कुछ की लिमिटेशंस दूसरा कवर नहीं कर पाता उतनी इफेक्टिवली. एंड ऑब्वियसली आप इसको एट्रीब्यूट करोगे भाई लैक ऑफ क्वालिटी, और आप लैक ऑफ क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते. बट आप बेलिंगम की परफॉर्मेंस देखो आज,
ये होता है ना कि अब साउथगेट के साथ आई थिंक वन थिंग विच इज डूइंग स्लाइटली डिफरेंटली इस वर्ल्ड कप में, साउथगेट इंडिविजुअलिज्म को एक स्पेस दे रहा है अपनी टीम में, जो पिछली बार मुझे लग नहीं रहा था वर्ल्ड कप में था। एंड इवन यूरोज में भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वो थोड़ा ज्यादा ही प्रैग्मेटिज्म पे ज्यादा जा रहा था, वो ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि पहले आप गोल नहीं खाओ, अब फिर आप गोल मारने की सोचो। अब इंग्लैंड का मेरे को अप्रोच वो नहीं लग रहा, बिकॉज आपके पास ये कि आपके पास सिस्टम ऐसा है, आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिस्टम को सूट भी करते हैं, एंड वो सिस्टम में ऐसी चीजें कर भी सकते हैं जो उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस उन्हें अलाउ करे, देखो सिमिलर टू फ्रांस, बट दे आर नॉट एक्चुअली हर्टिंग द सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्लेयर्स आपके पास होना। तो अब बेलिंगम को देखो, और इसका पता रीजन क्या है मेरे हिसाब से, अब क्लब्स में क्योंकि प्लेयर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन अ सिस्टम, वो प्लेयर्स जितने यंग प्लेयर्स है, बेलिंगम देखो, साका देखो, आप यू सी मेसन माउंट, यू सी ऑल द प्लेयर्स विच इंग्लैंड हैज, कि दीज प्लेयर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन अ वे कि आप मल्टीपल सिस्टम्स को सूट कर सको, एंड आपकी शुरू से आप एकेडमी लेवल से ही वो डेवलपमेंट ऐसी है आप कि आप यू कैन प्ले वेल एंड इन्फ्लुएंस द गेम इंडिविजुअली भी और एज अ टीम भी विदाउट हर्टिंग द सिस्टम। अब वो जो सबसे बढ़िया चीज लगी, क्योंकि अगर आप तीन मिडफील्डर्स ऐसे खिलाओगे जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आप तीनों को मोमेंट दोगे, अपने अपना स्पेस दोगे कि भाई हाँ तुम आके इन्फ्लुएंस करोगे हमको, एंड बेलिंगम को वो बहुत अच्छे से मिला। तो ये है कि द टीम इज बिल्ट इन अ वे वेयर बेलिंगम कैन परफॉर्म एग्जैक्टली एज इंपॉर्टेंटली जैसे वो डॉर्टमंड के लिए करता है, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द गोल्स, इवन डिफेंडिंग, पासिंग, ड्रिबलिंग, प्रोग्रेसिंग द बॉल, सब वो कर रहा था, सब अपना हर मोमेंट पे वो हर जो चीज वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो टीम को, वो सब कर रहा था। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड जैसी साइड को, क्योंकि फिर बुकायो साका वॉज एबल टू मेंटेन अ हायर पोजिशन। अब फिल फोटन को भी देखो, फिल फोटन को भी वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिला इन कायदे से, तो इंग्लैंड प्लेड विद ओनली वन विंगर टुडे। फुल फोर्डन को खिलाना आप एक तरीके से, आपने लेफ्ट विंग पे स्टर्लिंग ऑब्वियसली फैमिली रीजन की वजह से नहीं था, बट रैशफोर्ड भी नहीं खिलाया। अब आप कह सकते हो कि रैशफोर्ड बेस्ड ऑन हिज लास्ट परफॉर्मेंस स्कोरिंग टू गोल्स ही डिजर्व टू स्टार्ट, बट फोर्डन को खिलाना इंग्लैंड को एक फ्लुइडिटी एक देता है, एक अनप्रिडिक्टेबलनेस देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्डन को देखो, ही प्लेज ऑफ शॉ, शॉ को एक स्पेस देता है फॉरवर्ड जाने का, ही कम्स इनसाइड, फिर वो एक इट आप ओवरलोड्स क्रिएट करते हो, ओवरलोड्स अल्टीमेटली फिर सेनेगल के लिए टू और टू हैंडल हो जाता है, एंड देन वंस यू क्रिएट ओवरलोड्स अब डिफेंडर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड ऑब्वियसली जाके ऑलरेडी मिडफील्ड में ओवरलोड है, एंड हैरी केन ऑल्सो ड्रॉप्स, तो आपके कायदे से पांच लोग एक सेंट्रल एरिया में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड वो पांच लोग जब आ जाते हैं तो सेनेगल को किसी ना किसी को तो कवर करना पड़ेगा। आप जोनली तो नहीं रह सकते ना, स्टे पुट नहीं रह सकते कि भाई नहीं मैं अपनी पोजिशन वेकेट नहीं करूंगा, एंड बिकॉज आपको प्लेयर्स को कवर करना पड़ेगा, आपको जाके प्लेयर को फॉलो करना पड़ेगा, फिर स्पेस क्रिएट होता है। इंग्लैंड वर डूइंग दैट वेरी वेल, इंग्लैंड स्पेस अच्छा क्रिएट करती चाहे उनके गोल काउंटर पर पड़े, बट दे आर क्रिएटिंग गुड नंबर ऑफ चांसेस टूडे, एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट फ्रांस इज वेल, कि फ्रांस के अगेंस्ट कैसे वो न्यूमेरिकल ओवरलोड्स कर सकते हैं। अब फाइनली फ्रांस और इंग्लैंड पे भी आओ, तो फ्रांस और इंग्लैंड का मुझे लगता है इट्स अ मैच ऑफ टू वेरी सिमिलर टीम्स, दो ऐसी टीम है जो एक प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलती है, थोड़ा नॉट दैट टिकी टाका फुटबॉल विद स्पेन क्लब टाइप की फुटबॉल ना इस पूरे टूर्नामेंट में खाली स्पेन ही खेलता है, तो एक भी आपके साथ जो टिपिकल इंटरनेशनल टाइप फुटबॉल खेलते हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि विच टीम अलाउज इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू शाइन विदाउट हैविंग देयर सिस्टम सफर, या आप कह सकते हो सिस्टम लैप्सेज नहीं हो इनके। ये बेसिकली ये है कि आप डिफेंसिवली इतना हर्ट नहीं हो, क्योंकि दोनों टीम्स का अगर आप देखो, दोनों टीम्स शफल सिस्टम्स अराउंड इन एंड अराउंड ड्यूरिंग द मैच बेस्ड ऑन मैच की क्या रिदम चल रही होती है वो हर टीम करती है। ऐसा ऐसा नहीं कि इंग्लैंड और फ्रांस को यहाँ पे बहुत बड़े आउटलायर्स है आप कह सकते हो, अरे ये तो बिल्कुल अलग ही, इन्होंने कोई अलग ही आग लगा रखी है, बट सिमिलर टीम्स इन द सेंस कि फ्रांस फोर एट द बैक भी खेलती है, बीच में थ्री एट द बैक पे भी शिफ्ट होती है, उनके पास वो प्लेयर्स है हु कैन डू दैट, एंड उनके विंगर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, एंड मिडफील्ड के एनेबलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने रैबियो की बात की, जैसे मैंने हेंडरसन राइस बेलिंगम की बात की, शुएमेनी की बात की, ये सब प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर एंड इंपॉर्टेंट इन देमसेल्व्स एज वेल। तो ये मैच में देखना पड़ेगा कि कैसे ये इन बिटवीन सिस्टम्स स्विच करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी देखो बैक थ्री बीच में खिला रही थी, कि हैरी मैग्वायर, स्टोन्स एंड वॉकर थे, शॉ वाज पुशिंग अप वाइड, सैका भी विंग बैक की तरह था, बट सैका वाज स्टेइंग, सैका जब पीछे रहता था थोड़ा या कैसे पोजीशन होल्ड करता था, तो शॉ आगे पुश कर रहा था, ऐसा ही फ्रांस के साथ होता है। तो कैसे ये टीम्स राइट मोमेंट्स पिक करती है टू स्विच अप देयर सिस्टम एंड अलाउ एम्बाप्पे टू शाइन, अलाउ साका टू शाइन, अलाउ बेलिंगम टू शाइन, अलाउ हैरी केन टू यू नो ड्रॉप डीप विदाउट यू नो लीविंग अप द फ्रंट वेकेंट, क्योंकि फ्रांस के पास एक मैं फायदा कह सकता हूँ ओवर इंग्लैंड ये है कि फ्रांस आगे जिरू होल्ड्स दिस पोजीशन एंड जिरू कीप्स द डिफेंडर्स ऑक्यूपाइड, बट अगर फ्रांस को पास इतना नो हाउ है कि अगर हैरी केन ड्रॉप कर रहा है एंड देयर इज नोबडी एक जो एक नंबर नाइन की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा आगे, तो फिर फ्रांस इंग्लैंड को एक तरीके से उनके अटैक्स प्रीमेच्योरली ही रोक लेगी, विच विल अलाउ फ्रांस की भाई काउंटर पे, वैसे फ्रांस की इतनी थ्रेट है तो फ्रांस कैन रियली हर्ट इंग्लैंड ऑन द काउंटर। एंड आज भी इंग्लैंड, आज भी सेनेगल के अगेंस्ट अगर आप देखो तो सेनेगल के अगेंस्ट दे हैड देयर फ्यू नर्वस मोमेंट, जैसे हैरी मैग्वायर ने गलत पास दे दिया इंग्लैंड पर और सेनेगल तुरंत प्रेस करके आगे आ रही थी, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। तो ये आपके पास कंफर्ट नहीं है फ्रांस के अगेंस्ट कि आप वो लैप्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होने दो और उन कॉन्सेंट्रेशन लैप्सेस को आप फिर आप स्वीप अप कर दो, या उनको आप कवर देम विद योर क्वालिटी, बिकॉज फ्रांस के पास उतनी ही क्वालिटी है इफ नॉट बेटर। तो देखना होगा इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस कैसा होता है, तो अभी मैच में टाइम है,
लेट मी नो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस मैच पे, हाउ डू यू थिंक द मैच वॉज, वॉट आर योर ओपिनियंस ऑन इंग्लैंड और फ्रांस, हु डू यू थिंक इज लाइकली टू विन द वर्ल्ड कप और गो थ्रू, चाहे दोनों में से जरूर नहीं है कोई ना जीते क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप एज वेल, आपको पता है भाई चैनल को इस समय आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।